इसराइल के विरोध में बोली प्रियंका गांधी, कहा इसराइल इंसानियत का खात्मा कर रहा है। इसराइल पर 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद गाजा में शुरू हुआ युद्ध जारी है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तुरंत युद्ध विराम लागू करने का आह्वान किया। गाजा शहर के अलशिफा अस्पताल के बाहर एक एम्बुलेंस पर इसराइल के हालिया हमले का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि यह घटना भयानक और शर्मनाक थी। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह घटना भयावह और शर्मनाक है और यह शब्दों से परे है। गाजा में लगभग 10,000 नागरिकों को नरसंहार किया गया, इनमें से लगभग 5,000 बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे पूरे परिवारों को खत्म कर दिया गया है, अस्पतालों और एम्बुलेंस पर बमबारी की गई है, शरणार्थी शिविरों को निशाना बनाया गया है और फिर भी तथाकथित फ्री वर्ल्ड के नेता फिलिस्तीन में नरसंहार के लिए वित्त पोषण और समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, संघर्ष विराम एक बेहद छोटा कदम है, इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तुरंत लागू किया जाना चाहिए, नहीं तो उसके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं बचेगा। CNN ने बताया कि इसराइल ने गाजा शहर के अलशिफा अस्पताल के बाहर एक एम्बुलेंस पर हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें करीब 15 लोग मारे गए और लगभग 50 घायल हो गए थे। इसराइल डिफेंस फोर्सेज IDF के बयान के अनुसार उसने एम्बुलेंस को निशाना बनाया था क्योंकि इसका इस्तेमाल हमास के लड़ाके कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जमजम न्यूज, इंडिया।